नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि आज मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इस पेपर को पूरा हल कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर पूरा क्रैक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा यहाँ पर फोकस होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पेपर कोड नंबर यहाँ पर ST 2 2015 का यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 2015 का रीट का पेपर हल करने वाले है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, और एनालिसिस करने वाले है दोस्तों यहाँ पर 2011, जी हाँ दोस्तों 2011 और 2012 के पेपरों को सम्मिलित करके इन तीनों पेपरों का एक यहां पर एनालिसिस किया जाएगा दोस्तों यहां पर। उनको करने के बाद यहां पर आप खुद पता लगाया जा सकता है कि 2021 का पेपर आपका कैसा आने वाला है, कहां से प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों यहां पर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों यहां पर, एक एक प्रश्न को अच्छे से ध्यान से देखिएगा दोस्तों यहां पर, और समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहां पर। अगर 2011 का पेपर आपने हल किया है दोस्तों यहां पर और 2012 का किया है, तो दोस्तों दोनों पेपरों को ध्यान में रखते हुए 2015 का पेपर हल कीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि यहां से बहुत प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्तों यहां पर को बार बार रिपीट होते हैं। 2011 और 12 में जो पूछे गए प्रश्न है वो 15 में भी पूछे गए हैं दोस्तों यहां पर, 17 में भी पूछे गए हैं। तो ध्यान रखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सामाजिक अध्ययन दोस्तों यहां पर, यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो भाग है वो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहां पर। और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों यहां पर, यह आपके लिए समर्पित है दोस्तों यहां पर, पूरा पूरा यूट्यूब चैनल आपके लिए समर्पित है दोस्तों यहां पर। तो चलते यहां पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन के साथ। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो भाग है वो आ जाता है। इसमें 60 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और 60 प्रश्नों को समझिएगा दोस्तों यहाँ पर, और बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, एनालिसिस करना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैं 2011 के जो प्रश्न है उनके बारे में बताऊंगा, 2012 का जो हमने देखा है प्रश्न बैंक उसमें भी है दोस्तों यहाँ पर, उस प्रश्न और इन प्रश्नों को समझकर हम ये कह सकते हैं कि 2021 के जो पेपर में 25 अप्रैल के पेपर में कौन से प्रश्न आने की संभावना बताई जा रही है, जताई जा रही है दोस्तों यहां पर, और वो ही प्रश्न आने वाले हैं 100%। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 25 साल, 30 साल, 35 साल या फिर 21 साल, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि 30 साल इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2011 और 2012 के जो प्रश्न बैंक में दोस्तों यहां पर प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों यहां पर, राज्यसभा से संबंधित और यहां पर लोकसभा से संबंधित प्रश्न उठकर आए हैं दोस्तों यहां पर, और विधानसभा से संबंधित एक प्रश्न आया था दोस्तों यहां पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, यानी कि राज्यसभा से या लोकसभा से या विधानसभा से एक प्रश्न 100% आएगा दोस्तों यहां पर। 2011 की में आया, 12 की में आया, 15 की में आया, 17 की में आया, और भी बताऊंगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा दोस्तों यहां पर एक एक प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय हुआ था बताइएगा दोस्तों यहां पर। 44वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन आपके सामने है, इंदिरा गांधी के, चौधरी चरण सिंह के, चंद्रशेखर के या फिर मोरारजी देसाई के। तो इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहां पर, एक एक प्रश्न को अटेंड कीजिएगा दोस्तों समझकर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई के समय यहां पर 44वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, केसी बालकृष्ण, बी रामस्वामी या फिर स्वतंत्र कुमार या फिर सुमित्र सेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि 93 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी रामास्वामी। जी हां दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी रामास्वामी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों यहां पर, बने रहिएगा अपने अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों यहां पर ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों यहां पर, एक बार लाइक कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, अनुसूचियां पूछी जाएगी दोस्तों यहां पर, अनुसूचियों में से 100% एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहां पर। 2012 में आया, 11 में आया और 2000 यहां पर यानी कि 2015 में आएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है, किन से संबंधित रखती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, पंचायती राज व्यवस्था से, केंद्र की भाषाओं से, नगर पालिकाओं से,
या फिर केंद्र राज्य संबंधों से, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नगर पालिकाओं से संबंध रखती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि आप इन प्रश्न बैंक को हल कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि पता चलेगा आप 14 लाख स्टूडेंटों में से किस नंबर पर है, किस पायदान पर है दोस्तों यहाँ पर पता चलेगा। और कॉमेंट में जरूर बताना कि आपने 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। बढ़ते रहिएगा दोस्तों यहाँ पर, इस तरह से एक एक क्वेश्चनों को अटेंड कीजिएगा और समझिएगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। डॉक्टर राधा कृष्णन, बीबी गिरी, कृष्णकांत या फिर बीडी जत्ती, तो इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहां पर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, कृष्णकांत। जी हां दोस्तों, कृष्णकांत का देहांत यहां पर कार्यकाल के दौरान हुआ था दोस्तों यहां पर, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति रहा था दोस्तों यहां पर कृष्णकांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। देखिएगा राष्ट्रपति से संबंधित और उपराष्ट्रपति से संबंधित 2012 में पूछा गया था, 2011 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था दोस्तों यहां पर, 2017 के में पूछा गया है, 18 के में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहां पर, दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, एक एक प्रश्न को अच्छे से ध्यान में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि कृष्णकांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है 32.0%, 29.0%, 30.3% या फिर 28.4%, तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 29.0% यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, बताएगा कौन सी है। ये क्वेश्चन 2011 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है दोस्तों यहां पर, और 2012 के प्रश्न पत्र में भी पूछा गया है, इससे संबंधित दोस्तों यहां पर, परतों से संबंधित। तो 2011 में पूछा गया था दोस्तों यहां पर, यही बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर यहां पर बी, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्षोभ मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, और रिपीट होते हैं दोस्तों यहां पर, और उसी प्रश्न से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों यहां पर आपकी एग्जाम में। तो ध्यान रखना मॉडल टेस्ट पेपरों से और पिछले पेपरों से आपको बहुत अधिक फायदा होने वाला है दोस्तों यहां पर। सभी मॉडल टेस्ट पेपर, सभी प्रीवियस पेपर आपको पढ़ लेने हैं दोस्तों यहां पर, हम बिल्कुल लेकर आएंगे दोस्तों यहां पर सभी। 2011 का हमने लेकर आया है, 12 का लेकर आया है, और 2015 का भी चल रहा है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि वह भरीजनक भू भाग कृतिक प्रतिक्रिया के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि पटल विरूपण, अक्षय या फिर अनाच्छादन या फिर कार्बोनेस, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, अनाच्छादन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, अनाच्छादन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, 99 का देखिएगा, जैव मंडल में जैव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्र प्रवाह को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएगा। यानी कि गैसीय चक्र, जल चक्र या फिर जैव भू रासायनिक चक्र या फिर भू आकारिक चक्र, तो इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहां पर समझकर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र है दोस्तों यहां पर, जिसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांत्रिक शैली सेल, कायांत्रिक सेल नहीं है दोस्तों। देखिएगा 2011 में पूछा गया है, सेलों से चट्टानों से संबंधित 2011 में पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था, और 2011-12 में कौन कौन से पूछे गए थे, देखिएगा 2011 में पूछा गया था कि परतदार चट्टान कौन सी है, वो पूछा गया था। 2012 में पूछा गया है दोस्तों यहां पर, यानी कि कायांत्रिक चट्टानों के बारे में पूछा था दोस्तों यहां पर, और अभी 2000 यानी कि 15 के प्रश्न पत्र में पूछ लिया गया है दोस्तों यहां पर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांत्रिक शैली सेल नहीं है, बताएगा दोस्तों यहां पर, कायांत्रिक
यांत्रिक शैल कौन सी नहीं है। ऑप्शन आपके सामने, चूना पत्थर, संगमरमर, क्वाइट जाइट या फिर स्लेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर एक कायांत्रिक चट्टान नहीं है दोस्तों, यहाँ पर शैल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्य किस वस्तु पर बने मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर बताएगा दोस्तों, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूछा गया था 2011 और 12 में, और अब भी पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर उनको आप या तो यानी कि रफ में लिख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेरा मकसद यही है इन प्रश्न पत्रों को लाने का कि आपको पता चले, आप खुद निकाल सकेंगे कि यहाँ पर 2021 के पेपर में क्या आने वाला है, कौन सा प्रश्न आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर फालतू चीज़ें मत पढ़िएगा, फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो प्रश्न आ रही है और वो आने की संभावना, उन पर ज़्यादा फोकस रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मोहरों पर, जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहरों पर, यानी कि देखिएगा हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्य किस वस्तु पर बने थे, तो ये मोहरों पर बने थे दोस्तों। यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल था कौन सा था बताएगा, यानी कि सप्त सैदव प्रदेश, गंगा यमुना दोआब या फिर मगध या फिर दक्खन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों। यहाँ पर तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर, जी हाँ दोस्तों, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर यहाँ पर यानी कि उत्तर वैदिक काल की संस्कृति का स्थल रहा था दोस्तों। यहाँ पर यानी कि गंगा नदी और इधर से यमुना नदी दोस्तों, यहाँ पर तो यहाँ पर जो स्थल है वो यहाँ पर केंद्र था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत के प्राचीन नगरों का पतन, भारत के प्राचीन नगरों का पतन यानी कि 300 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक थे कौन थे बताएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राधा मुकुंद मुखर्जी, रोमिला थापर या फिर रामचरण शर्मा या फिर डीसी कोसामी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि रामचरण शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हिंदू विवाहित महिलाओं पर पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ था बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1955 में, 1956 में, 1977 में या फिर 1946 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1946 में, ये जो अधिनियम पारित हुआ था वो 1946 में, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ था क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था इस समय, या फिर कन्या वध के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ था, या सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ था, या फिर डाकन प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारतीय इतिहास में श्रेणी योग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल या फिर मुगल काल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि गुप्त काल के लिए, जी हां दोस्तों, गुप्त काल के लिए प्रयुक्त है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 107वें नंबर का प्रश्न देखिएगा अच्छे से, यानी कि श्रावण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था। ऑप्शन आपके सामने, होयसल काल में, गंग काल में, चालुक्य काल में या फिर राष्ट्रकूट काल में। तो इसका सही आंसर बताएगा सभी स्टूडेंट तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि यहाँ का गंग काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, यहां पर ध्यान रख लेना
इंडिका का लेखक कौन है बताएगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। यहाँ पर 108वें नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। यहाँ पर इंडिका का लेखक कौन है, कौटिल्य है, प्लीपी है, मेघस्तनीज है या फिर विष्णुगुप्त है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि कौमुज स्थित अंगरकोर बाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों। यहाँ पर एक मंदिर जरूर पूछा जाएगा, 2011 के पेपर में पूछा गया था, 2012 के पेपर में पूछा गया था और यहाँ पर 15 के पेपर में भी पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर एक मंदिर किसने बनवाया था, जो फेमस मंदिर है दोस्तों यहाँ पर वो याद कर लेना, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर और एग्जाम में पूछे गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो भी एग्जाम हुई है दोस्तों यहाँ पर उनमें पूछे गए हैं। सारे जो प्रश्न है वो मैं लेकर आता रहूंगा दोस्तों। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको पता है वो चल रहा है, आज से वो हिस्ट्री है वो चालू होगी दोस्तों हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है रिट के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट को इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सूर्य वर्मा सेकंड, जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, सूर्य वर्मा सेकंड ने यहाँ पर यानी कि विष्णु मंदिर बनवाया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का बंधन मिला है बताएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम में, अष्टम में, पंचम में या फिर तेरहवां अभिलेख में, तो इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अलग देशों का जो वर्णन मिलता है वो तेरहवां शिलालेख में मिलता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तेरहवां शिलालेख, पहला शिलालेख, पांचवां शिलालेख और सातवां शिलालेख ये पढ़ लेने हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अशोक से संबंधित, इनमें से बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, रविन्द्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो कि देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, सेसर कविता, गौरा, घर बाई बायरे या फिर योगा योग, तो इसका सही आंसर बताएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि घर बायरे, जी हां दोस्तों घर बायरे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि 112वें नंबर का, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताएगा दोस्तों यहां पर, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों यहां पर। पूरे पेपर को क्रैक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, छोड़कर मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, पूरे पेपर को समझिएगा और एनालिसिस कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि 25 अप्रैल की एग्जाम होने वाली है और कौन से प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर आप खुद बता सकते हो, जब आप इन प्रश्नों को पूरी तरीके से अटेंड करोगे दोस्तों यहाँ पर, तो आप पता लगा सकते हो कि 25 अप्रैल में कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं और कहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ऑप्शन आपके सामने है बताएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि 1925 में इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि देहरम है बताइएगा क्या है, सोने का सिक्का है, तांबे का सिक्का है, मिश्रित धातु का सिक्का है या फिर चांदी का सिक्का है बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रख लेना, यानी कि जो देहरम है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सोने का सिक्का भी कहा जाता है, चांदी के सिक्के को भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, दोनों ही सही है और जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में दोनों को ही सही माना है दोस्तों यहां पर, जिन अभ्यर्थियों ने दोनों किए थे, ए भी किया है और सी भी किया है, उनको यहां पर समान अंक दिए हैं दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना यहां पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में, क्योंकि यानी कि सोने के सिक्कों को भी कहा जाता है और चांदी के सिक्के को भी कहा जाता है, यानी कि दिहरम, जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और सी एल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था, ऑप्शन आपके सामने है, कलिंजारो शासक, रणथंबोर शासक, मारवाड़ शासक या फिर मालवा शासक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर बताएगा दोस्तों यहां पर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, कलिंजारो के राजा, जी हाँ दोस्तों कलिंजारा के राजा, मध्य प्रदेश में यहां पर कलिंजारा का यहां पर एक राजा था, उस अभियान में यहां पर ये उक्का नामक एक यंत्र चला रहा था दोस्तों यहां पर, लेकिन उसी से इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों यहां पर शेरशाह सूरी की, तो ध्यान रख लेना, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया था, इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहां पर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नियमन एडी 1829, जी हां दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1975
में, 1978 में, 1976 में या फिर 1992 में? तो यहाँ पर कब हुआ था, इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1976 में यहाँ पर प्रस्तावना में संशोधन किया गया था भारतीय संविधान की में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वह संवैधानिक संशोधन जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, कौन सा है बताएगा दोस्तों यहाँ पर। जो भी संविधान में संशोधन हुए हैं और जो मोस्टली इंपॉर्टेंट जो संविधान में संशोधन हुए हैं वो आपको याद कर लेने हैं दोस्तों यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 86वां संविधान संशोधन। जी हाँ दोस्तों, ये 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि अगला क्वेश्चन है, यानी कि किस समिति की सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? देखिएगा, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार पूछे गए हैं 2011 के पेपर में, 2012 के पेपर में और 2015 के पेपर में। देखिएगा अनुसूची, अब हमने क्या समझा दोस्तों यहां पर इस प्रश्न को करने के बाद, देखिएगा हमने यह समझा कि 2011 में जो प्रश्न रिपीट हुए हैं वो उनसे संबंधित 2015 में पूछे गए हैं, 2017 में पूछे गए हैं, 2012 में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, इन प्रश्न को अच्छे से यहां पर रिवाइज कीजिएगा। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि सरदार स्वर्ण समिति। जी हां दोस्तों, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जी हां दोस्तों, ये जोड़े गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय सरकार ने काका कालेलर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, नियुक्ति का वर्ष था क्या था बताएगा, 1951, 1953, 1957 या फिर 1955? तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1953 में। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1953 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है क्या है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताएगा, राज्य का अपना धर्म है, राज्य का धर्म से संबंधित कोई नहीं है या फिर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु अपना कोई धर्म नहीं होता है, अपना कोई धर्म नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। धर्म से संबंधित ही क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों यहां पर। देखिएगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है दोस्तों यहां पर, यानी कि यहां पर विभिन्नता में एकता पाई जाती है, यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उससे ही जुड़ा क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया है 2015 की एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवानेरी तथा राजोरीगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के है बताएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजर प्रतिहार काल के, गोहिल सिसोदिया काल के, चौहान काल के या फिर राठौर काल के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुजर प्रतिहार काल के। जी हाँ दोस्तों, ये जो गुजर प्रतिहार काल के, या तो इनमें से मंदिर पूछा जा सकता है दोस्तों यहां पर, गुजर प्रतिहार के फेमस जो मंदिर है, जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में जो मंदिर है उनमें से पूछा जा सकता है दोस्तों पर, या इनके जो एक फेमस शासक है दोस्तों यहां पर गुजर प्रतिहार का, उनसे संबंधित पूछा जा सकता है दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है बताएगा, व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का या फिर व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का? तो इसका सही आंसर बताएगा सभी स्टूडेंट। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, यह क्वेश्चन यहां पर गलत माना है बोर्ड ने। जी हाँ दोस्तों, ये गलत माना है दोस्तों यहां पर, क्योंकि व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का भी यहां पर महत्वपूर्ण विवरण मिलता है यहाँ पर सामाजिक अध्ययन में, और यहाँ पर व्यक्तिगत के राजनीतिक संबंधों का भी यहाँ पर विश्लेषण मिलता है, सामाजिक में भौगोलिकों का भी संबंध मिलता है, और यहाँ पर व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का भी यहाँ पर जानकारी मिलती है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, बोर्ड ने इस आंसर का सबको बोनस अंक दिया था दोस्तों यहाँ पर 2015 की एग्जाम में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, ये क्वेश्चन गलत दिया था बोर्ड ने, और बोर्ड को मानना पड़ा था ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर इसके सभी को बोनस मिले हैं, ध्यान रख लेना। और इसके सभी जो सही आंसर है वो उपयुक्त में से सभी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यानी कि सामाजिक अध्ययन के प्रस्तय को सामाजिक अध्ययन में अध्ययन है जो कि मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों को मूलभूत आवश्यकताएं क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं और जिनको उनके विकास कार्य है तथा ज्ञान प्राप्त करता है उनके द्वारा बताया गया है। बताएगा किसके द्वारा बताया गया है, ये किसका अभिलेख है, किसके लेख है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर किसने कहा था, यानी कि वेसल ने, एम पी मुफालत ने, या फिर जॉन माइकल्स ने, या फिर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च ने कहा था। तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन सर्च ने कहा था, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य पर अध्ययन किया जाता है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा, मानवीय संबंधों का अध्ययन, या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। सामाजिक क्षेत्र में जो अध्ययन किया जाता है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, नागरिकता की शिक्षा का अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तत्वों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, विशिष्ट बातें तथा वस्तु के संबंध से स्पष्ट विचार, सामान्य पद तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य नियम परिभाषा तथा विद्या और प्रतिविधि की स्थापना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सभी का ज्ञान यहाँ पर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कक्षा में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देश पर लाना चाहिए, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, 40%, 60%, 50%, या फिर 20%। तो इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है यहाँ पर, यानी कि ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर गलत है, जो बोर्ड ने इस प्रश्न को गलत माना है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना, इसको यहाँ पर इग्नोर कर देना है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, उद्देश्यों की उपलब्धियों के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता तथा मूल्यों का निश्चित करना, या फिर अनुदेशन को परिणामों की तुलना करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, बताएगा, यानी कि पाठ को लंबा करता है, छात्र उबने लगते हैं, उपयुक्त दोनों कथन असत्य है, या फिर उपयुक्त दोनों कथन यहां पर सही है, ए और बी सत्य है। तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि यहां पर उपयुक्त दोनों कथन असत्य है दोस्तों यहां पर, असत्य है दोनों कथन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहार रूप दिया था, बताएगा किस वैज्ञानिक ने दिया था, ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा दोस्तों यहां पर, तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर डब्ल्यू एच क्लिपैट्रिक, जी हाँ दोस्तों क्लिपैट्रिक हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न में से सही मिलान कीजिए, निम्न में से सही मिलान करना है दोस्तों यहाँ पर, तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से मिलान करना है आपको, बी एस बालूम, हार्वर्ट, मॉरिसन, या फिर हर्ट, मूल्यांकन आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा मिलान करना है आपको, तो यानी कि सी का, यानी कि ए का जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, एक हो जाएगा इसका, और यहाँ पर बी का जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये मिलान करना है तो मिलान कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मूल्यांकन आयाम के निम्न में से तीन सोपान होते हैं, कौन कौन से सोपान होते हैं, बताएगा दोस्तों यहां पर, यह उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए थे, बताएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि मूल्यांकन आयाम के नियम तीन सोपान होते हैं, और ये सोपान किस वैज्ञानिक ने दिए थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, बी एस बलूम ने दिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो तीनों जो यहां पर सोपान दिए थे, बी एस बलूम ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा जैविक संसाधन नहीं है, इनमें से कौन सा एक जैविक संसाधन नहीं है, बताएगा, पूछा गया है दोस्तों यहां पर 2011 और 12 की एग्जाम में इससे संबंधित, यानी कि कौन सा जैविक है, कौन सा अजैविक है,
ये तो ध्यान रखना दोस्तों, मृदा, पौधा या फिर चट्टान या फिर खनिज, तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पौधा यहाँ पर यानी कि अजैविक संसाधन नहीं है दोस्तों यहाँ पर। अजैविक संसाधन चट्टान है, खनिज है और मृदा है दोस्तों यहाँ पर, और जो जैविक चट्टान है वो यहाँ पर जैविक है दोस्तों, सॉरी जैविक है वो पौधा एक जैविक है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, मृदा निर्माण में मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप बे और जलवायु वे कारक है, हार्मोनियम मृदा के सबसे गहराई पर वाले भाग में पाए जाते हैं, उच्चावच गुणवत्ता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है, खनिज एवं जैविक पदार्थ का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हार्मोन मृदा को सबसे गहराई वाले भाग में पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो हार्मोन मिलते हैं जो मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा अग्रणीय तांबा उत्पादक देश है, कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक तांबा उत्पादन होता है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चिली या फिर घना। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक तांबा उत्पादन किस देश में होता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चिली, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चिली देश में सबसे अधिक तांबा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है बताएगा दोस्तों यहां पर, कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है दोस्तों यहां पर, यह पूछा गया है 2012 की एग्जाम के प्रश्न पत्र में पूछा गया है दोस्तों यहां पर, चाहे तो आप वीडियो खोलकर देख लो दोस्तों यहां पर पूछा गया है दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना, भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर जल विद्युत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा दोस्तों यहां पर, देखिएगा भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है बताना है आपको, तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर जो सुमिलित नहीं है वो यहाँ पर लद्दाख, श्रीलंका, ये ध्यान रखना, ये सुमिलित नहीं है दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि देखिए मिल्पा मैक्सो से संबंधित रखता है, झूमिंग यहाँ पर उत्तरी भारत की एक खेती परंपरा है, और रोका यहाँ पर ब्राजील की परंपरा है दोस्तों यहाँ पर ये खेती की। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इनमें से जो अलग है वो लद्दाख जो श्रीलंका से ये अलग है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है, बताना है आपको, तो बताएगा टोटावेटा, एनआई मुडी या फिर कोडाई कैनाल, तो बताएगा या फिर महेंद्रगिरी, तो बताना है इसका सही आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि अन्नाई मुडी, जी हाँ दोस्तों अन्नाई मुडी यहां पर एक प्रायद्वीपीय पर्वत शिखर है दोस्तों यहां पर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है बताएगा दोस्तों यहां पर, भारत के किस राज्य में, भारत के किस स्थान पर सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा, बताना है दोस्तों आपको। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बताना है दोस्तों यहां पर, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर तमिलनाडु, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, सबसे पहले जो मानसून प्रवेश करता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसके बाद तमिलनाडु में दोस्तों यहां पर, उसके बाद पहले जो प्रवेश करता है वो अंडमान निकोबार में करता है, फिर केरल में करता है, फिर तमिलनाडु में करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यानी कि भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षापन मिलते हैं बताएगा दोस्तों यहां पर, वर्षापन मिलते हैं बताएगा दोस्तों यहां पर, कहां पर मिलते हैं, मालवा का पठार पर, पूर्वी घाट पर, कर्नाटक में या फिर उत्तरी पूर्वी भारत में, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो यहां पर कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय वर्षापन पाए जाते हैं वो यहां पर उत्तरी भारत में पाए जाते हैं, यानी कि हिमालय की श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं दोस्तों यहां पर, ये जो पाए जाते हैं
उष्णकटिबंधीय जो वन पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये हिमालय की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी भारत। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी पूर्वी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? बताएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सा लोह इस्पात का केंद्र नहीं है, बेंगलोर में, झेलम में, दुर्गापुरा या फिर टोलवी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलोर। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में यहां पर लोह इस्पात उद्योग नहीं है दोस्तों यहां पर। देखिएगा झेलम में है, दुर्गापुरा में, दुर्गापुर है और टोलवी है, ये सभी लोह इस्पात है, लेकिन बेंगलोर में लोह इस्पात नहीं है दोस्तों यहां पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य है कौन कौन से है? बिहार और त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मिजोरम, केरल और सिक्किम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, ये क्वेश्चन गलत है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन गलत माना है बोर्ड ने दोस्तों यहां पर, ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों यहां पर, यानी कि ऑप्शन में से कोई नहीं है दोस्तों यहां पर, इग्नोर करना है इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि बोर्ड भी गलत देता है दोस्तों यहां पर, हर एग्जाम में यानी कि एक या दो या तीन क्वेश्चन तो बोर्ड गलत देता है दोस्तों यहां पर एग्जाम में प्रश्न, ध्यान रख लेना। और उनके बोनस देता है सभी स्टूडेंटों को, उनके बोनस दे दिए जाते हैं दोस्तों यहां पर सभी स्टूडेंटों को, अगर कोई बोर्ड के माध्यम से कोई गलत देता है क्वेश्चन डालता है तो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भोराट का पठार स्थित है कहां पर? भोराट का पठार स्थित है, बताएगा ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, रघुनाथगढ़ तथा नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ और दिलवाड़ा के मध्य, जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य? तो कहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा? भोराट का पठार कहां पर हो जाएगा बताएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य हो जाएगा, भोराट का पठार हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? दोस्तों यहां पर यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, परंपरागत जल विधि कौन सी है ये पूछा गया है दोस्तों यहां पर, ये पूछा गया था, तो उसमें टांका था सही दोस्तों यहां पर, मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बताया था 2011 में, बिल्कुल वो के वो ही क्वेश्चन ये डाल दिया है दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना। तो सभी प्रश्न जो पत्र है वो आपको एक बार देख लेने हैं और एनालिसिस कर लेना है दोस्तों यहां पर, तो इसका सही आंसर बताना है। अब क्या पूछा है इसमें देखिएगा दोस्तों यहां पर, इसमें थोड़ा सा फेरा है प्रश्न को, थोड़ा सा बदला है, क्या बदला है? निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण विधि नहीं है? तो बताएगा दोस्तों यहां पर, अब नहीं पूछा है पहले कौन सी है परंपरागत, तो पहले तो टांका थी, पहले में 2011 के में पूछा गया था, और अब के में जो पूछा गया है कौन सी विधि नहीं है, तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि नाली नहीं है दोस्तों यहां पर, इसका सही आंसर हो जाएगा नाली। जी हां दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये परंपरागत जल संरक्षण विधि नहीं है नाली, बल्कि खड़ी ने टोबा है और टांका है दोस्तों, यहां पर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है? बताएगा दोस्तों यहां पर, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताएगा? टंगस्टन डेगाना, सीसा जस्ता, रामपुर दरीबा, तामा सिंघाना और अब्रक जाफसर? तो बताना है इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। मैं बार बार बताता हूँ दोस्तों यहाँ पर, कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ जब मेरे वीडियो आते हैं, कि इस तरह के पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपकी एग्जाम में, और पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, चार भी पूछ लेता है कि निम्न में से सुमिलित कीजिए, कौन सा सुमिलित नहीं है ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अब्रक है वो जाफसर में, ये सुमिलित नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। और अगर आपने एक बार लाइक नहीं किया है दोस्तों यहां पर वीडियो को, तो एक बार लाइक और कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर। जो भी स्टूडेंट यहां पर 145 तक पहुंच चुके हैं दोस्तों यहां पर, जिससे आपको पता चले, हमें पता चले कि कौन कौन स्टूडेंटों ने यहां पर ये वीडियो कंप्लीटली किया है दोस्तों यहां पर, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर वीडियो को, और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहां पर। और टेलीग्राम पर आपके लिए पूरा कोर्स है दोस्तों यहां पर, वो चल रहा है रोज 8 बजे से, रात 8 बजे से रात 11 बजे तक चलता है दोस्तों यहां पर, स्पेशल रेट वालों के लिए, जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर टेलीग्राम, यानी कि पिंकेश कुमार मीना राजस्थान जीके दोस्तों यहां पर, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है दोस्तों यहां पर, जिसमें 16,000 से अधिक स्टूडेंट बने हुए हैं दोस्तों यहां पर अभी भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा रासायनिक उद्योग केंद्र नहीं है? बताएगा इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना है, डिडवाना, सवाई माधोपुर, कोटा या फिर अलवर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, सवाई माधोपुर में रासायनिक उद्योग नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 2011 में राजस्थान में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व था, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि जयपुर अलवर, भरतपुर दौसा, जयपुर दौसा या फिर जयपुर भरतपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 140वें का सही आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि भरतपुर और जयपुर में, यानी कि 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है दोस्तों यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था, किसने मनाया था बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, उदयपुर, कोटा, करौली या फिर जोधपुर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ये जोधपुर ने मनाया था, जोधपुर प्रजामंडल ने मनाया था दोस्तों यहाँ पर 1936 में जब स्थापना हुई थी दोस्तों यहाँ पर कृष्ण दिवस मनाया था, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है, बताना है दोस्तों आपको, सीकर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर बाड़मेर में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में, ये युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई है दोस्तों यहाँ पर। और 2021 में कहां पर की है दोस्तों यहाँ पर, 2021 में घोषणा की है अशोक गहलोत ने कहां बनाने की, युद्ध संग्रहालय यहाँ पर जोधपुर में बनाने की घोषणा की है दोस्तों यहाँ पर, यह भी याद रख लेना, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यह भी याद रख लेना है कि जोधपुर में बनाएगा दूसरा युद्ध संग्रहालय, जोधपुर में बनेगा, पहला आपको पता है 2015 में जैसलमेर में बनाया है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कभी माधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या फिर अर्णराज या फिर अजयराज को। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि दो प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहां पर। तो ध्यान रखना कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों यहां पर, यानी कि कटिबंधु कभी माधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त है। ऑप्शन आपके सामने है, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णराज, पृथ्वीराज चौहान या फिर अजयराज को। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर सभी स्टूडेंटों को इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अंतिम क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि कर्नल जेम्स रॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसको समर्पित किया गया था, बताएगा दोस्तों यहां पर, किसको समर्पित की थी बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड विलियम बेटिंग को, लॉर्ड मिंटो को या फिर यति ज्ञानेंद्र को, ज्ञानचंद्र को या फिर विलियम हंटर प्लेयर को। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो लास्ट की जो पुस्तक लिखी थी दोस्तों यहाँ पर कर्नल जेम्स रॉड ने, जो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की यात्रा दोस्तों यहाँ पर ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया दोस्तों जो पुस्तक थी वो किसको समर्पित की थी, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसकी मृत्यु 1836 में हो गई थी यानी कि कर्नल जेम्स रॉड की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो इस पुस्तक का जो प्रकाशन करवाया था वो इसकी पत्नी ने लंदन में करवाया था दोस्तों यहां पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन गलत है, यानी कि ये क्वेश्चन गलत छापा है बोर्ड ने, और सभी स्टूडेंटों को इसका बोनस दिया गया था दोस्तों यहां पर 2015 के एग्जाम प्रश्न पत्र के तहत। तो उसकी पत्नी का नाम आता तो यहां पर वो सही होता दोस्तों यहां पर, कि उसको पत्नी को समर्पित थी दोस्तों यहां पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, यानी कि ये गलत है, यानी कि इसका बोनस दिया गया था सभी स्टूडेंटों को। तो दोस्तों यहां पर आपने ये प्रश्न बैंक पूरी तरह से क्रैक कर दिया होगा, मेरे को पता है, मेरे को विश्वास है दोस्तों यहां पर, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज अब मेरे को इतना बता दीजिएगा कि आपने यानी कि 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन में आप कहाँ तक है दोस्तों यहाँ पर, 14 लाख स्टूडेंटों में आपका कौन सा स्थान है दोस्तों यहाँ पर, ये बताना है, प्लीज जरूर कॉमेंट कीजिएगा जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इन पेपरों को पूरा हल किया है। देखिएगा 2011 का प्रश्न पत्र हमने हल करवाया बहुत अच्छी तरीके से, 2012 का हमने हल करवा दिया है दोस्तों यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का, 2015 का हल करवा दिया है दोस्तों यहां पर अभी ये करंटली, अब 2017 का करवाएंगे, 2018 का करवाएंगे दोस्तों यहां पर, यानी कि दो पेपर और बचे हुए हैं दोस्तों यहां पर, इनको अच्छे तरीके से यानी कि एक्सप्लेन करके दोस्तों यहां पर अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ताकि ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, यानी कि इन प्रश्नों में से मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं दोस्तों यहां पर, क्योंकि मैंने देखा है 2011 के प्रश्न पत्र उठा के, 2012 का उठा के, 2015 17 18 का उठा के, कि यहां पर कितने प्रश्न रिवाइज हुए हैं और कितने प्रश्नों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों यहां पर। तो ध्यान रखना सबसे अच्छा गोल्डन चांस है दोस्तों यहां पर, पिछले प्रश्न पत्रों को जरूर उठा के देखिएगा दोस्तों यहां पर, और उनसे एक रिसर्च कीजिएगा दोस्तों यहां पर कि ये प्रश्न कैसे पूछा गया है घुमा फिरा के, दूसरी एग्जाम में कैसे पूछा गया है घुमा फिरा के, और 25 अप्रैल 2021 में जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों यहां पर ये प्रश्न, 100% इन्हीं प्रश्नों से प्रश्न बनकर आएंगे दोस्तों यहां पर। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, यानी कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन।
तो जो 16,000 का वो चल रहा है दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब पर चल रहा है, 16,000 प्रश्न का कोर्स चल रहा है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल फ्री में, जिसमें 18 वीडियो हमने कंप्लीट करा लिए है दोस्तों यहाँ पर। अभी जो वीडियो और करानी है लगभग हम लगभग यहाँ पर अभी 25 वीडियो और बनाने हैं दोस्तों यहाँ पर, इसमें आपका राजस्थान रीट का कंप्लीटली कोर्स हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई भी, केवल आपको वीडियो अटेंड करने हैं और अच्छे तरीके से याद कर लेना है दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, अगर आपने नहीं दे रखे है, नहीं देख रखे है सारे वीडियो तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान का प्राचीन इतिहास, राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित दोस्तों यहाँ पर। तो धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए।